सिक्किम राइड से आने के बाद जो है मैं फिर से निकल पड़ा हूँ टूवर्ड्स दार्जिलिंग। एंटर कर रहे गाइस सेंट पॉल स्कूल। ओह माय गॉड सो ब्यूटीफुल। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड फिलहाल गाइस मैं रोहिणी पे हूँ और मैं घर से जो है कैमरा को ऑन नहीं किया था, सोचा कि गाइस सिलीगुड़ी से जो है इधर तक का जो सफर है इसको स्किप करते हैं एंड जहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे गाइस उधर से ब्लॉग को स्टार्ट करेंगे। देखो गाइस आज का वेदर भी काफी अच्छा कर रखा है, इस सीन आप लोग चेकआउट करो। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट और ये रहा गाइस हम लोग का पैंथर जो कि काफी मस्त दिख रहा है। और देखो कल तो मैंने इधर पे राजभाई का दुकान से स्टिकर लगा लिया था जैसे कि ये काफी सही लग रहा है अभी टैंक। और देखो गाइस आज मेरे साथ राइड पे कौन है, गुड मॉर्निंग मोनिता। सो काफी दिन से मतलब प्लान हो रहा था कि दार्जिलिंग राइड करेंगे एक साथ, तो भाई आज मोनिता का साथ निकले हम लोग गाइस। मोनिता का स्कूल पे जा रहे हैं सेंट पॉल स्कूल, पीते कॉफी एंड कैच यू ऑन द रोड। ओके गाइस ऑल सेट टू लीव गाइस, हम लोग अभी निकलने वाले हैं दार्जिलिंग के लिए। तो मोनिर भाई कैसा लग रहा है मेरे साथ राइड करके? वेरी नाइस। बहुत दिन बाद गाइस दार्जिलिंग का रूट पे वापस आया हूं। मेरे को आप लोग को एक चीज दिखाना है कि ये जो मेरा मोबाइल माउंट है ना गाइस ये अभी भी हिल रहा है। लाइक आर्टिक का जो सामान सब है ना ये आप लोग मत लेना, देखो अभी भी मतलब इस पे साउंड आ रहा है। काफी दिनों बाद फिर से ये रोड पे वापस आके काफी अच्छा लग रहा है। और आज का गाइस प्लान कुछ ऐसा है कि मैं और मोनिता जा रहा हूँ सेंट पॉल स्कूल, उधर पे मोनिता का कुछ काम है। एंड मैं बता देता हूँ गाइस मोनिता जो है मोनिता बांग्लादेश से है जो कि मोनिता एक बैरिस्टर है। एंड काफ़ी दिनों से हम लोग का प्लान हो रहा था कि हम लोग जाएंगे बोल के, मेरे सिक्किम राइड से पहले मोनिता आया था। हाँ ये प्लान सडन बना तो उसके लिए उनको आना पड़ा। राइड जो है सुबह सुबह काफ़ी मस्त चल रहा है, कर्शंग पे आके भी हम लोग को आज सनलाइट देखने को मिल रहा है। मैं तो जो प्रिडिक्ट किया था गाइस वो एकदम से रॉन्ग हो गया, मैंने सोचा था कि कर्शंग एकदम फॉग से ढका हुआ रहेगा बट वैसा कुछ नहीं है। ए बच्चू बच्चू बच्चू, और देखो यार सिलीगुड़ी जैसा ही इधर पे भी वेदर है, धूप है इधर पे। एंड मेरे को जितना लगता है कि दार्जिलिंग में ऐसी नहीं होने वाला है, दार्जिलिंग में फॉग मिलने वाला है। लाइक देखो इधर पे तो डेंस फॉग है डेंस। ओहो क्या खूबसूरत नज़ारा। और मैंने आज अपना साथ जो है ड्रोन को भी कैरी किया है, कोई एक अच्छा सा लोकेशन देख के जो है अपना ड्रोन को करेंगे फ्लाई दार्जिलिंग से। एंड और एक अपडेट देना था गाइस कि मैं अपना वीडियोस को जो है अभी फेसबुक पेज पे भी अपलोड कर रहा हूँ। फेसबुक से देख रहे हो यार वो लोग यूट्यूब पे आ जाओ, लाइक दोनों तरफ कनेक्टेड हो जाओ। तो गाइस देखो हम लोग को दार्जिलिंग का जो माइलस्टोन है वो दिख गया है, दार्जिलिंग इज 33 किलोमीटर, घूम है 26। और देखो यार इधर पे एंटर करते करते जो है कर्शियंग का जो वेदर एकदम से चेंज हो चुका है। लाइक हम लोग को थोड़ा सा नीचे वेदर सनी देखने को मिल रहा था बट देखो इधर पे आने से एकदम से फॉग एंड क्लाउडी सा वेदर देखने को मिल रहा है। सो गाइज एज यू कैन सी डोमिनार से जो है अपना गोप्रो को इधर पे चार्ज कर रहे हैं। बहुत इन्जॉय कर रहे हैं अपना राइड को और क्या ही बताओ गाइज, दार्जिलिंग का वेदर जैसे मैंने प्रिडिक्ट किया था वैसा टाइप का वेदर है और वैसा टाइप के मतलब फॉग नहीं मिल रहा है। होप करते हैं कि आगे जाके सब कुछ विजुअल रहेगा तब जाके जो है ड्रोन फ्लाई करके ड्रोन से अच्छा फुट हम लोग को मिलेगा। एंड हम लोग का इसको पहले जाएंगे उधर पे जाकर जो है कुछ काम है वो सब निपटा के फिर हम लोग दार्जिलिंग एक्सप्लोर करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे सब कुछ है। बस सोचते हैं कि डोमिनार बाइक का परफॉर्मेंस कैसा लगा आपको? वेरी गुड वेरी गुड। बांग्लादेश पे जो है बांग्लादेश का आए जो सीसी दिखता है 155 जो है बांग्लादेश का दिखता है बट ये डोमिनार 400 है तो भैया काफ़ी इंप्रेस हुआ है। सो चलो इस राइड को कंटिन्यू करते हैं। सो आप लोग सभी को स्वागत करता हूँ दार्जिलिंग पे और लगभग लगभग 2 साल बाद मैं फिर से दार्जिलिंग पे आया। तो जब आप दार्जिलिंग एंटर करते हो गाइस आपको फेमस फेमस मॉन्स्ट्री सब भी हम लोग को देखने को मिलता है। लाइक ये जो जगह नहीं देखे यार कैसे करके ऐसे कट मार देते हैं, मिरर जो दिया है मिरर को फॉलो करो। ओके
क्या खूबसूरत सा नज़ारा है गाइस, देखो जरा सब लोग। एंड दार्जिलिंग के साथ एक अलग ही कनेक्शन है गाइस, क्योंकि देखो जिस दिन मैं पहला गोप्रो खरीदा था ना, उसके बाद जो पहला व्लॉग क्रिएट किया था उस दिन आए थे हम लोग सब मिलकर दार्जिलिंग। एंड मेरे को एकदम से याद है रिपब्लिक डे था गाइस उस दिन 26 जनवरी, उस दिन मैंने अपना फर्स्ट वीडियो क्रिएट किया था सिलीगुड़ी टू दार्जिलिंग। सो आप लोग जब भी गाइस हिल्स का रोड पे राइड करो ना, वन वे को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, तो उसको अच्छा से किसी से पूछ लो, लोकल कोई है या तो फिर सिविक वॉलंटियर ट्रैफिक पुलिस जो है उनसे पूछ लो, नहीं तो यार फिर आपको वो चालान भरना पड़ेगा। गलती एक बार हो जाएगा तो उसका तो भरपाई करना ही पड़ेगा, अगर का फालतू का 1000-2000 का जो है चालान कटने से तो अच्छा वही है पूछ लेना किसी से, वही बेटर रहता है। ओके धीरे धीरे जा सकते हैं ना। सो दार्जिलिंग आने से गाइस आप लोगों को ये चीज़ दिखेगा ही दिखेगा, वो है लोको शेड जो कि मैं आपको गाइस दिखाने वाला हूँ अभी। तो ये है लोको शेड, ये जो है गाइस ये कोल से चलता है एंड कितना सही सा व्यू है गाइस। ये रहा दार्जिलिंग का स्टेशन, वाओ खूबसूरत। एंड ये देखो गाइस हम लोग अभी प्रॉपर एकदम सिटी का अंदर एंटर कर चुके हैं। एक्चुअली मेरे को गाइस सेंट पॉल स्कूल का जो रास्ता है वो पता नहीं है, तो मुनीर दाई मेरे को बता दे रहा है। ओके दार्जिलिंग का सड़क पे राइड करके काफ़ी मस्त सा फील आता होगा, और अपना पैंथर का परफॉर्मेंस जो है गाइस काफ़ी मस्त अभी तक, एंड लगभग लगभग गाइस 10,000 का करीब करीब तो चल ही चुका है। आई थिंक गाइस ऊपर का ये जो रोड है यही मॉल रोड है। सो एंटर कर रहे हैं गाइस सेंट पॉल स्कूल। काफ़ी बार मैंने सेंट पॉल स्कूल को जो है काफ़ी सारा मूवीज़ पे देखा था, जैसे यारियान हो गया, उसके बाद बर्फी का शूट भी इधर पे हुआ था ना मुनीर भैया। ओह माय गॉड सो ब्यूटीफुल। ओके सो रीच्ड गाइस, देखो यार फेस का कुछ ऐसा हो रखा है। ओके गाइस सो अभी हम लोग मतलब थोड़ा स्कूल को घूम के देख रहे हैं, और इधर पे है सेंट पॉल स्कूल प्राइमरी विंग्स, मतलब इधर पे प्राइमरी स्कूल है, और मतलब मुनीर दा जो है घुमा घुमा के दिखा रहा है सब कुछ। और क्या ही सही वाला भाई है यार, इधर पे मतलब जो लोग स्टडी किए उन लोग को ही पता है, काफ़ी क्वालिटी वाला यार फील आ रहा था। इधर से कहाँ पे जाते पता नहीं, बस ऊपर पे आए थोड़ा सा व्यू देखने के लिए, देखो यार कुछ ऐसा है। अंदर पे गाइस प्रिंसिपल का साथ बात हुआ, तो प्रिंसिपल कह रहे थे कि 64 एकर्स पे जो है स्कूल है टोटल, पर एकर्स पे बोला था टोटल 64 एकर्स ऑफ लैंड। सो आके पहुंच चुका था सेंट पॉल स्कूल पे, एंड देखो यार कितना सही लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है इधर पे रह के। एंड
ये जो है गाइस ये ब्रिटिश जब मतलब रूल करता था उस टाइम का स्कूल है 1882 शायद ऐसा कुछ बोला मुनीर भैया ने, सुन लेंगे। टेल समथिंग अबाउट दिस स्कूल। वेल दिस स्कूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1823। ओके एंड एखाने द फेमस मूवीज लाइक मेहुना बर्फी और शॉट एंड नेक्स्ट ईयर इज गोना बी 200 इयर्स ओल्ड। ओके एंड इज गोना बी अ बिग सेलिब्रेशन नेक्स्ट ईयर। Yeah, I'm proud that I've studied here and it's one of the best schools, boarding school in India. This school is really amazing guys, काफी अच्छा लग रहा है इधर पे रहके। And Munir भैया तो छोटा से इधर पे अपना studies वगैरह complete किया है। कितना दिन बाद आ रहे हो आप school पे वापस? 2.5 years। And यार ये playground है। This is football। और वो क्या है? That's the canteen। कुछ ऐसा है गाइस इधर का अंदर का इंटीरियर और बहुत लंबा है। उधर भी क्या है उस साइड पे? सेम वैसे ही है। ओके ओके क्या ट्राई कर रहे हैं बताओ। ग्रीन टी देखो गाइस कुछ ऐसा है। सो हम लोग अभी दार्जिलिंग सिटी को अच्छा से एक्सप्लोर किया घूम घूम के। देखो गाइस कितना सारा सामान हम लोग ने परचेज किया इधर पे। मुनीर भाई कैसा लग रहा है? वेरी नाइस गाइस मैंने भी कुछ कुछ चीज खरीदा है। देखो इधर पे क्लॉक टावर। टेलीफोन रखा हुआ है इस पे कॉल आया है अभी। अपना बाइक का चाबी जो है इस रिसेप्शन पे देकर आया था क्योंकि बाइक को अंदर डालना था। तब फोन करके मेरे को यही बताया कि भाई आपका लॉक मैं खोल नहीं पा रहा हूँ तो आप आ जाओ नीचे। तो देखो गाइस अभी मेहनत करके फिर नीचे जाना पड़ेगा। वैसे तो इधर पे काफी ज्यादा ठंड है। मतलब इधर पे बिंदास में मूवी देख रहा था, मतलब काफी टाइम बाद में फिर से टीवी देख रहा था और गेट तो यार खुला हुआ ही है। और ये जो गाइस होटल है ना, ये होटल मुनीर दा का फ्रेंड का है तो उसी के लिए मतलब मस्त एकदम बिंदास रह रहे इधर पे। सो चलो गाइस नीचे चलते हैं। बट एक ही दिक्कत है गाइस, ये जो होटल है हम लोग मतलब एकदम थर्ड फ्लोर पे रह रहे तो उसी के लिए सीढ़ी में उतरने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। लॉक खुलते बात सुना हैंडल एक हाथे धरो, एक हल्का हिलाओ, घुराओ, चाबी हो गया।